नमस्कार, टीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस तरह से मौसम बदल रहा है, बर्फबारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश है कि ज्यादा बर्फ पड़ने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा आतंकी हिंदुस्तान की तरफ धकेल सके धकेल लें, क्योंकि अब इसका एक ही मकसद है किसी ना किसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाना है। और खासकर जबकि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में फिर जो टेरर फंडिंग जो अब तक वो छुपे हुए कर रहा था अब वो खुलेआम करेगा। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर वी के साई साहब। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कब से ये लगे हैं, पाकिस्तान की एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर वक्त कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं होती रहे। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों और सेना बलों ने इतना दबाव डाला हुआ है कि उनके लिए मुश्किल हो गया है बॉर्डर क्रॉस करना। लेकिन अब चूंकि बर्फबारी शुरू हो गई और इनकी पूरी कोशिश है, और हर रोज देख रहे हैं आप, चाहे LOC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ से इनकी कोशिश हो रही है, कभी ड्रोन के जरिए भेज रहे हैं, कभी वैसे आतंकवादी को धकेल रहे हैं। पूरी इनकी कोशिश है कि इस विंटर सीजन में जितने इनके वो लॉन्चिंग पैड में है उन्हें भारत में भेजा जाए। और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद इसको लग रहा है कि जैसे इसको हमारे ऊपर इसको ज़्यादा मौका मिल गया है अटैक करने का, ज़्यादा मौका मिल गया है यहाँ पे आतंकवाद फैलाने का। अदर जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो गतिविधियाँ वैसे तो हर बर्फबारी के टाइम कोशिश करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को पुशन कर देने के लिए, क्योंकि पास और जो उनके आने के रास्ते हैं बंद हो जाते हैं और एक आतंकवाद में लल सा पीरियड आ जाता है। पर उसके अलावा कुछ और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक, जैसा आपने सही कहा कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए, तो छोड़ा था उनको अभी मॉनेटरी फंड से भी मिल जाएगा, IMF से पैसा, और कंट्री से भी लोन्स ले सकेंगे। तो उनको लगता है कि वो जो अभी तक पूरी तरह डिपेंडेंट थे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिसका बहाना वो बनाते थे कि कश्मीर में इस्लाम खतरे में है और इस्लामिक नेशन से उन्हें उसको मदद दी जाती थी ताकि वो कश्मीर में इस्लाम की मदद करें। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर में नुकसान किया है इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी का, वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है अलग अलग तरीक़ों से। वहाँ अगर कभी सख्ती होती है ज़िम्मेवार पाकिस्तान है। वहाँ जो बच्चों की कैजुअल्टीज होती हैं जिनको वो भड़काते हैं, वेपन्स देकर मरने के लिए भेजते हैं, वो मारे जाते हैं, ज़िम्मेवार या पाकिस्तान या पाकिस्तान के पिछलग्गु उनके जो स्टूजेस यहाँ बैठे उनके लिए काम करते रहे। तो ये तो एक बात हुई। उसके अलावा देखिए, पिछले कुछ समय से हमारा अपनी इंटरेस्ट की नेशनल पॉलिसी को कामयाब रखना, अमेरिका के दबाव में आकर हमने रशिया की खिलाफत नहीं की, एक न्यूट्रल पोस्चर बनाया। अमेरिका के कहने के बावजूद हमने रशिया से ऑयल ख़रीदा, रशिया के इशारे के बावजूद हमने अपना वेपन, अपना अनाज का जो एक्सपोर्ट था वो शुरू नहीं किया, उसको बंद करके अनाज अपनी पॉपुलेशन के लिए बचाया। तो अमेरिका को भी कुछ लगता है कि अब हम उनके इशारों पर नाचते नहीं हैं, और उन्होंने जो खिलाफत का तरीका बनाया, हमें एक तरह से धमकी देने का तरीका बनाया, वो F-16 के लिए उनको $24,000 का एड दे दिया अपग्रेड करने के लिए, वो
गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और जाकर उसको आज़ाद कश्मीर का नाम दे दिया। तो ये जो छोटे छोटे इशारे हैं, ये एक तरफ तो हमें शायद डराने धमकाने के तरीके हैं जिसमें हमारा देश आज का भारत डरने वाला नहीं है, पर दूसरी तरफ ये एक शह दे रहे हैं पाकिस्तान को कि वो अब अपनी जो कुफारात हैं उनमें कुछ बढ़ावा करे और साबित करे कि वो इस काबिल है कि वो हमें तंग कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है लाइफ जे एंड के में, और इसके लिए उसको और माली मदद या इमदाद या पैसा मिल जाए। तो ये उसका एक कमाई का जरिया है और जिसके लिए अमेरिका की भी शह मिली है, चाइना भी अभी पाकिस्तान के जाकर आए हैं प्रधानमंत्री, वहाँ भी उन्होंने कम ब्याज दर करने की बातचीत की है। तो चाइना की तरफ से भी अब जब ऐसा लगता है चाइना को कि हम उनके स्टैंड ऑफ की घुड़कियों में नहीं आए और कुछ कदम चाइना को पीछे हटाने पड़े और वो जो अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे बहुत सुपर पावर की, उसको धक्का लगा न सिर्फ भारत वर्ष से पर ताइवान से भी। तो उनके जो गहरी मार कहिए या लॉस ऑफ फेस जो उनको हुआ है, वो उसको पूर्ति करने के लिए भी पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं ताकि इनडायरेक्टली भारत को घुड़के दिखाई जा सके। कल सर, एक तरफ तो पाकिस्तान की अपने भीतर की स्थिति बहुत खराब है, बड़ी इंटरनल उनकी पोजीशन इतनी खराब है कोई साहब नहीं, सारा दुनिया जानती है। ऊपर से आप जो फंड्स डेवलपमेंट्स के लिए आएंगे जिसे बंद किया गया था एसटी फंड, वो तो सारा का सारा उनकी डेवलपमेंट तो होगी नहीं, वहां तो लगाएगा नहीं, उसकी एक ही कोशिश है किसी ना किसी तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई जाए, वो पैसा इसी तरफ डाइवर्ट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उनको अपनी रियाया का फिक्र नहीं है, उनको अनाज खाने को मिलता है या नहीं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज पूरी होती हैं या नहीं, बाढ़ में उन लोगों की कितनी कैजुअल्टीज हुई, उनको कुछ मदद दी जा सकती है या नहीं, ये कोई चिंता पाकिस्तान को नहीं है। एजुकेशन की बुरी हालत है, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर ने बाढ़ में बहुत मार खाई है, पर फिर भी उनकी इन्वेस्टमेंट है कश्मीर में हालात खराब करें जिसकी वजह से वो एक बोगी उठा सकें कि हम कश्मीर में आज भी कुछ हैसियत रखते हैं, डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो गल्फ कंट्रीज से और कुछ कंट्रीज हैं जो उनकी मदद करते हैं उनसे मदद ले सकते हैं। करम साहब, इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति यह है कि बड़ी मुश्किल से पटरी पर आ रहा था और वहाँ के हालात ये है कि इस बार जो टूरिस्ट है इतना टूरिस्ट है, पिछले कई सालों में इतना टूरिस्ट नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए वहाँ जो टारगेट किलिंग की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है और वो भी वो ज़्यादा उसमें वही है जो उस वक़्त के वहाँ रह रहे हैं जब पीक में मिलिटेंसी थी। सिर्फ दहशत फैलाने का तरीका है, मैं नहीं समझता टूरिज्म पर इसका कुछ खास प्रभाव हो पाएगा, पर हम मैं समझता हूँ एक प्रोएक्टिव होकर हमारे कुछ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर आना चाहिए, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कश्मीर के वो लीडर्स जो कि गलत बयानी करते हैं कि जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता ये बंद नहीं हो सकता, ये सरासर सरेआम बढ़ावा देने की बात है टेररिज्म को। एक बात, जब मुझसे एक और रिपोर्टर बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर और उन्होंने कहा तो ये तो बड़ी भयानक और ख़तरनाक हालत है कि हर महीने एक दो डेथ्स तीन टेरर किलिंग से हो जाती हैं, सेलेक्टिव किलिंग से हो रही हैं, उससे टारगेटेड किलिंग से हो रही हैं, बहुत ज़्यादा भयानक। मैंने कहा आप लोग इसको बहुत ज़्यादा भयानक कहकर इसको भयानक बनवा रहे हैं और टूरिज्म पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। भयानक वो था जब आपके रघुनाथ मंदिर में तीन लड़कों ने आकर 35 कैजुअल्टीज कर दी, भयानक वो था
जब लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीर में अटैक हुआ, भयानक वो था जब कश्मीर में आपके बैंक लूटे जा रहे थे, भयानक वो था जब फौजी कन्वॉयस पर बड़े बड़े अटैक होते थे और 5-10 से लेकर 40 कैजुअल्टीज तक हुई, भयानक वो था जब दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी गांव में आ जाता था और कहता था बकरा मारो, मुर्गे काटो और अपनी औरतें हमें पेश कर दो, और वो करते थे। वो सूरत एक भयानक सूरत थी, एक्सटोर्शंस होते थे, वो सूरत एक भयानक सूरत थी, फिदायन अटैक्स होते थे, वो सूरत एक भयानक सूरत थी। मैं जानता हूँ ये दुखदाई है जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, जिस घर का बच्चा या ब्रेड अर्नर मरता है, जो बेचारा बिहार से, असम से, उड़ीसा से यहाँ पैसा कमाने आया है घर की परवरिश करने के लिए, उनको कितना दुख और तकलीफ होती है। उस तकलीफ का एहसास करना एक बात है, उनकी रक्षा और उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त करना एक बात है, पर उसको भयानक भयानक बोलकर जो अच्छा भला टूरिज्म लाइन पर आ गया है, बिजनेस लाइन पर आ गया है, स्कूल कॉलेजेस रेगुलरली खुल रहे हैं, दफ्तर बाजार आम खुल रहे हैं, वो नहीं है कि एक दो लड़के आए शटर डाउन करा दिए पूरे रेजिडेंसी रोड कश्मीर में, अब वो हालात नहीं हैं और हम उन हालात से उभर आए हैं। और इस बात को मीडिया को चाहिए न सिर्फ J&K में बल्कि पूरे देश में पहुंचाएं कि उन हालात को जिनको के खतरनाक कहा जाता था से लेकर आज तक हम बहुत आगे बढ़ाए हैं। हर जुमे के रोज पेल्टिंग हुआ करती थी, आधे कश्मीर से आप गुजर नहीं सकते थे, मेरा रेजिमेंटल सेंटर वहाँ है, कई बार मुझे आना जाना हुआ और जुमे के रोज मुझे सलाह देते थे, सर कहाँ गाड़ी लेकर निकलोगे आप, कल के लिए पोस्टपोन कर दो, कहीं पत्थर पत्थर शीशा टूटेगा, मुझे मना करते थे लोग, आज जुम्मा है सर आज मत जाओ। आज वो हालत नहीं है, आज वो स्टोन पेल्टर्स कहीं कहीं कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ रोजगार चलाने की, कारपेट्स बनाने में चले गए हैं, पेपर मशीन में चले गए हैं, अपने अपने जो ट्रेडिशनल उनके कारोबार थे उनमें वापस आ गए हैं, कुछ पढ़ाई में लग गए हैं, कुछ पढ़ाई के लिए बाहर निकल गए हैं। तो उस हालत फिदायन वाली हालत से आज की हालत बहुत इम्प्रूव्ड है और ये हर तरह के मीडिया को लाउड एंड क्लियर पूरे देश को सुनाना चाहिए। और साथ ही जो दुख है हमें टारगेटेड किलिंग्स का, उसका इलाज सरकार कर रही है, उसमें लोकल पॉपुलेशन का सहयोग बड़ा ज़रूरी है अगर इन टारगेटेड किलिंग्स को ख़त्म करना है। अच्छा लगता है अब पहली बार बड़े सालों के बाद 30 साल में कि कश्मीरी लोकल नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस ने भी एजिटेशन किया, जुलूस निकाला और नारे लगाए उन्होंने इस दहशतगर्दी के खिलाफ। पहले तो आवाज़ नहीं उठा सकते थे ये लोग, तब से अब तरक्की है, बहुत तरक्की है, काबिले तारीफ तरक्की है, पर तसल्ली बख्श अभी नहीं है जिसको तसल्ली बख्श होना चाहिए। और वो जिम्मेवारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, वो जिम्मेवारी इन गैर जिम्मेवार लीडरान की भी है, सबसे बड़ी बात ये है जो उसको बढ़ावा देते हैं कंडेम करने की जगह। बिल्कुल बिल्कुल, इनको या तो अपने आप को संभालना चाहिए या फिर इनकी जगह वहीं होनी चाहिए जहां साउथ में किसी जेल में इनके दादा हुजूर को शेख अब्दुल्ला को रखा गया था। तो या तो उनको उस तरह से काबू करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ ये संभल जाएं, मैच्योर लोग हैं, मैच्योर लीडर्स हैं, फॉलोइंग भी रखते हैं, ये अपनी फॉलोइंग को पॉजिटिव तरीके पर लगाएं, कश्मीर को फिर जन्नत बनाएं, अमन लाने में मदद करें, ना कि दहशतगर्दी और कत्लेआम की मदद करें। कैसे होगा जी, ये कैसे होगा, इनकी दुकानदारी इसी पे चल रही है, ये इनकी दुकान, हालांकि वहाँ पे हालात जब भी ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एक ना एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है कि उसको उसको लेके वहाँ पे हालात बिगड़ जाते हैं। हालांकि LG साहब ने नया एक ऑर्डर जो निकाला, उन्होंने कहा कोई भी ऐसी जो स्टेटमेंट है
जो इंडिया के अगेंस्ट होगी, जिससे कुछ ऐसा जहर फैल रहा है उसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कही होगी, बहुत सख्त एक इशारा है। और मैं सोचता हूं कि बेहतरी इसी में है कि ये लूज स्टेटमेंट्स देने वाले, गैर जुम्मेवाराना बयान देने वाले लीडर समझेंगे इस बात को और अपने बयानात पर, अपनी जुबान पर कुछ काबू लाएंगे, वरना फिर जैसा मैंने कहा इनकी जगह वहीं सलाखों के पीछे होगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से कर्ण साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी और इस वक्त क्या है, मुश्किल घड़ी क्या थी, इन्होंने बताया, अब वो मुश्किल घड़ी नहीं, अब यह जानबूझकर किया जा रहा है और पाकिस्तान को इसका मकबूल जवाब मिलेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर शांति आएगी। कर्ण साहब, आप स्टूडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।